जींद उपचुनाव की हार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जींद उपचुनाव जात पात की बलि चढ़ा है। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, हर चुनाव एक नई शिक्षा आपको देता है, हर चुनाव एक नई सीख आपको देता है, हर चुनाव आपको एक नया तजर्बा देता है। जींद जो विकास की दृष्टि से बाकी हरियाणा से 30 से 40 साल पिछड़ा है, उसको विकास और प्रगति की आवश्यकता है, ना कि जात पात के विभाजन की। खट्टर साहब ने और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने मिलकर वहाँ एक जातीय विभाजन की बिसात जो बिछाई थी, वो थोड़े समय के लिए अवश्य कामयाब हुई, पर मुझे ये विश्वास है कि जींद के 24,000 लोगों ने विकास और प्रगति की, कैथल के मॉडल की एक नई चमक देखी, और मुझे ये विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो 23 से बढ़कर 46,000 और 46,000 से बढ़कर 1,00,000 हो जाएगी, क्योंकि जात और पात किसी का भला नहीं कर सकते, धर्म का विभाजन किसी का भला नहीं कर सकता। आखिर में रोजी और रोटी का रोजगार, विकास और प्रगति, पीने का पानी और नहर का पानी, सड़कें और सीवरेज, और एक एक गांव के अंदर और शहर के अंदर एक एक वार्ड के अंदर रोशनी, यही राजनीति का एकमात्र रास्ता है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के आम बजट को एक लॉलीपॉप बताते हुए कहा कि किसानों को हर दिन 17 रुपए मिलना एक भद्दा मजाक है। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो यह राशि मात्र 3 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगी, जिससे आधा कप चाय भी नहीं आती। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। ये बजट इस सरकार का एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। 17 रुपया प्रतिदिन प्रति किसान परिवार को आप देकर आप ये कहते हैं कि आपने किसान का बहुत भला कर दिया, और अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये राशि 3 रुपया 30 पैसे प्रतिदिन होती है। 3 रुपया 30 पैसे में तो आधा कप चाय भी नहीं मिल सकता, तो किसान परिवारों का भला कैसे होगा। और जो हमारे रविदासिया, वाल्मीकि और बैकवर्ड साथी हैं, जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में मजदूरी करते हैं, उनके लिए इसमें क्या है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हैं, परंतु जो पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, उनको ये पैसा नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे टेनेंट फार्मर हैं इसलिए एक बहुत बड़ा जुमला साबित हुआ है। और जो 5,00,000 रुपए की छूट देने की बात थी, वो रात तक जब बजट की भाषा आई तो वो सारी भी हेकड़ी गायब हो गई, क्योंकि मात्र 10,000 रुपए का इनकम टैक्स रिबेट मिला है। 5,00,000 तक इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ी, वो तो अभी भी 2,50,000 पर ही सीमित है। अगर आपकी आय 2,50,000 से 5,00,000 रुपए के बीच में है, तो 5% के हिसाब से इनकम टैक्स जो 10,000 रुपया बनता था वो माफ हुआ है। इसलिए 10,000 रुपया देकर की माफी देकर झूठी वाहवाही लूटना, मुझे नहीं लगता कि इससे लोग किसी भ्रम में आने वाले हैं।